हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्या नीट के नोटिफिकेशन का इंतजार और लंबा हो सकता है? एप्लीकेशन फॉर्म आने में अभी देरी हो सकती है। जी हाँ, तमिलनाडु ने अड़ंगा लगा रखा है, या फिर आप ये कह दीजिए तमिलनाडु एक तरीके से नीट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑथेंटिसिटी है उस पर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाता है। पहले भी हमने कई वीडियोज करे थे कि सभी स्टेट्स अगर तमिलनाडु की राह पर चल पड़े तो नीट का क्या होगा, तो एक अपडेट है। हालांकि अपडेट काफ़ी पहले का था, बट अभी भी वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, जिससे ये नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म अटके हुए हैं। तो नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म अटके होने का सही कारण आप जान लीजिए। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है मेरे सामने। तमिलनाडु मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट नीट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। जो नीट की संवैधानिक वैधता है उस पर तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर गई है। द तमिलनाडु मूव्ड तमिलनाडु गवर्नमेंट मूव द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नीट, एलिगिंग द सिंगल विंडो एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री वायोलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म विच इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो तमिलनाडु सरकार का मानना ये है कि जो सिंगल विंडो नीट एक ओपन की गई है थ्रू आउट कंट्री, जो एग्जाम होता है, और थ्रू आउट कंट्री जो मेडिकल कोर्सेज हैं उन मेडिकल कोर्सेज की जो सीटें हैं उनमें एंट्री के लिए एक सिंगल विंडो जो रखा गया है, ये सिंगल विंडो एक तरीके से वायोलेंस है। किसका वायोलेंस करता है ये वायोलेंस करता है फेडरलिज्म का। तो देखो, ये आपके सामने तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नीट। आगे इस खबर की जो डिटेल है उस डिटेल को डिस्कस करते हैं, क्या कहा गया है। फिर देखिए, ये कह रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट सैटरडे मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ मैटर अभी पेंडिंग है, कब तक वो सुनवाई होती है उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑल्सो क्लेम द नीट टेक अवे द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग एजुकेशन। तो एजुकेशन की जो ऑटोनॉमी है उस ऑटोनॉमी को भी एक तरीके से ब्रेक करता है, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का अपना एक कहना है। फिर लिखा है, देखो यहां जो मेंशन किया गया है उसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तमिलनाडु का जो था उसमें उसके अकॉर्डिंग है सेक्शन 14 का रेफर देते हुए कहा गया कि जो नीट है, देखो ये कहा गया कॉमन टेस्ट फॉर द एडमिशन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल कोर्सेज एज अल्ट्रा वायल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मल्टीपल ग्राउंड इंट्रोडक्शन ऑफ नीट इज वायोलेटिव ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। जो स्वतंत्रता है एक तरीके से, जो फेडरल सिस्टम है उसका ये हनन है, और जो स्टेट्स की पावर है उस स्टेट्स की पावर को चैलेंज करने वाली बात है। द प्लिया अगे एलिग्ड दैट नीट वायोलेट्स राइट ऑफ द इक्विलिटी। ठीक है, इसके अलावा ये कहा गया था स्टेट सेड नीट इज मॉडल्ड ऑन CBSE NCERT सिलेबस विच पुट्स रूरल स्टूडेंट एट ए लॉस। जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को काफी नुकसान में लाता है वो CBSE और NCERT में बेस्ड है। देखो तमिलनाडु का अपना ये मानना हो सकता है, लेकिन हमारे राजस्थान स्टेट की स्पेशली और नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं वो CBSE और NCERT को फॉलो करते हुए डेफिनेटली काफी आगे आए हैं, काफी ऊपर आए हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। विच पुट्स रूरल स्टूडेंट एट ए लॉस, ऑल्सो दे स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया लैक इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू अफोर्ड द कोचिंग क्लासेज विच पुट्स देम ए ग्रेटर डिसएडवांटेज टू एक्सेस मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट डिस्पाइट गुड अक्रॉस देयर स्टेट बोर्ड्स द स्टेट एलिट। स्टेट ने कहा, राज्य ने ये आरोप लगाया एक तरीके से, ये कहा कि रूरल एरियाज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग क्लासेज वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो ये नीट है ये नीट पूरी तरीके से मॉडल्ड है। एक तरीके से उसने कहा नीट जो है वो CBSE और NCERT मॉडल्ड है। तो देखो बच्चों, ये जो लाइन मेंशन की गई है ये रूरल एरिया के बच्चों के एक तरीके से डिसएडवांटेज फॉर्म को बताते हुए यहाँ कहा गया है। ठीक है, इसके बाद इस पर मामले पर ये कहा गया तमिलनाडु हैज विटनेस्ड, वो कह रहा है वाइड स्प्रेड एजिटेशन ओवर द एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम पर ओवरऑल काम की बात यही है कि तमिलनाडु जो है वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो चाहता है कि वहाँ नीट नहीं हो। उससे पहले भी तमिलनाडु असेंबली में ये बिल पास किया जा चुका है जिसको एंटी नीट बिल कहा गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ कहा गया आगे दो एजुकेशन इज सब्जेक्ट ऑन विच स्टेट कैन लेजिस्लेट। वो कह रहा है कि जो एजुकेशन है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट जिस पर एक तरीके से रूल कर सकता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ नीट फॉर एडमिशन टू ऑल मेडिकल कॉलेजेस इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर प्राइवेट और अंडर द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द वायलेंस ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। तो किसी भी स्टेट में, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसमें नीट के थ्रू एडमिशन देना स्टेट की जो अथॉरिटी है, ये स्टेट का अपना जो फ्रीडम है, स्टेट की अपनी जो ऑटोनॉमी है उसको चैलेंज करने जैसा है। तो यहाँ इसीलिए ये कह रहे हैं द स्टेट गवर्नमेंट सेड इट क्लियर चैलेंजिंग द कॉमन इंटरेस्ट इज नीट। और अब देखिए फाइनली इस पर क्या डिसीजन होता है, क्या लेटेस्ट अपडेट इसके लिए आता है। इससे पहले मैंने जैसा आपको कहा 2020 में भी जो है ये इस तरीके से असेंबली में जो है वो बिल पास कर चुके थे।
However, the state faced a legal hurdle as the application of NEET to state was upheld of the Supreme Court in 2020 decision in the Christian Medical College versus Union of India case. The state had argued the court to hold this judgment is not binding on the government seats in the state. Christian Medical College का एक मामला था, उस judgment का हवाला देते हुए इन्होंने कहा है यहाँ, the state government said that 2022 judgment has unheld NEET on the ground that it was required to curb the evil of the unfair practices. Granting admission based on the paying capacity of the candidate, charging capitation fees, large scale malpractices, exploitation of students. तो बहुत सारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज जो हैं उन मेडिकल कॉलेजेज में भी इस तरीके का इशू है, और साथ में ये कह रहा है कमर्शियलाइजेशन, प्रॉफिटरिंग, ये सब लिखा है, ऑल विच डू नॉट अराइज विद रेस्पेक्ट टू एडमिशन गवर्नमेंट सीट्स, जो गवर्नमेंट सीट्स पे नहीं आते. तो इस तरीके से अल्टीमेटली काम की बात यही है कि देखिए जो तमिलनाडु है वो तमिलनाडु क्या कर रहा है, नीट का विरोध कर रहा है. नीट तमिलनाडु जो है वो नहीं करवाना चाह रहा, पूरा लंबी डिटेल यहाँ दी गई है. तो ये लेटेस्ट अपडेट थे. हम इसके साथ साथ अगर और लेटेस्ट अपडेट जानना चाहें तो बच्चों मैं लाइव सब आपको दिखा रहा हूँ. ये लाइव हम इस पे जा रहे हैं कि तमिलनाडु जो है वो लेटेस्ट अपडेट नीट पे जो आ रहे हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, एक ही और दैनिक जागरण की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ. तमिलनाडु सरकार ने नीट की वैधता को चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, और उस पर अभी जो सिंगल विंडो है उसकी वैधता को लेकर जो है वो कह रहा है कि सिंगल विंडो टेस्ट जो है वो फेडरलिज्म, जो संघवाद का सिद्धांत है उसका, उसकी क्या करता है, अपने आप में एक तरीके से वायलेंस उसका करता है. तो ये प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा एक ही क्यों हो, इसके लिए जो है वो संघवाद के सिद्धांत के उल्लंघन की बात की गई है. तो इस तरीके से 2020 में अदालत ने नीट की वैधता को बरकरार रखा था. 2020 में भी तमिलनाडु ने ये अप्लाई किया था, लेकिन वो जो दायर याचिका थी उसके हिसाब से नीट को कंटिन्यू रखा गया था. खैर, ये राज्य को बाध्य नहीं करता नीट को बरकरार रखने वाला फैसला, नीट को बरकरार रखने वाला फैसला राज्य को बाध्य नहीं करता. राज्य सरकार अपना कैसा फैसला करेगी. तो काम की बात यही है कि अगर इस मेडिकल एजुकेशन पे इस तरीके से स्टेट्स अपनी दावेदारी जताने लगे तो उसका क्या होगा. खैर, फिलहाल यही है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक दो दिन और वेट करना पड़ सकता है. इस वीक में रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो सकते हैं. तमिलनाडु का ये जो फैसला है, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो ये जो पिटीशन है, इसके फैसला होने के बाद ही ये सब क्लियर हो पाएगा. अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, मैं आप तक ऑथेंटिक और ऑथोराइज्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध हूँ. मैं एमएम मंडोरिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था. एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू.